दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ अपने खेत, और मैं बैठी हूँ मेड़ पे अपने खेत के। और क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी तो खेत नहीं आ पाए थे अपने, तो आज टाइम मिला मुझे, तो हमने सोचा चलो अपने खेत टहलाते हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हुई थी तो नुकसान हो गया था। क्योंकि खेत में जो है बीन्स भी, शिमला के साथ बीन्स भी बो दी गई थी, तो देख सकते हैं बीन्स तो उगी ही नहीं क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी, तो बीन्स के सारे बीज जो है सड़ गए, हमारा नुकसान हो गया खेत का। और शिमला मिर्च के भी पेड़ जो है वो भी चले गए बारिश में, क्योंकि इतनी ज़्यादा दोस्तों बारिश ही हुई थी। 6-7-8 दिन तक लगातार बारिश ही होती रही, बारिश बंद ही नहीं, इसीलिए जो है शिमला मिर्च भी ख़राब हो गए, बहुत सारे पेड़ सड़ गए। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी आए हुए हैं और जो पेड़ बचे हैं उनकी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई है तो घास भी जो है खेत में बहुत ज़्यादा उगाई है। ये देखिए घास भी बहुत ज़्यादा उगाई है, तो वही मेरे हस्बैंड पेड़ों की सफाई कर रहे हैं ताकि जो घास निकल जाएगी तो पेड़ जो है अच्छे से ग्रो करने लगेंगे, अच्छे से चलने लगेंगे। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड पेड़ साफ़ कर रहे हैं शिमले के, और हम आसवी को गोदी लिए हुए हैं क्योंकि ये मिट्टी में इनको छोड़ दे रहे हैं तो ये फिर बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही, मिट्टी खा रही। अभी भी 2-3 बार ये मिट्टी और गोबर खा चुकी हैं, फिर भी इनको गोदी लिए हुए हैं क्योंकि ये इधर उधर चली जाती हैं खेत में। और दोस्तों ये देखिए हमारे खेतों का नज़ारा कैसा है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये वहाँ पे छप्पर पड़ा हुआ है तो वहीं पे सारे लोग हैं, जेठानी वगैरह तो चारा काट रही हैं वो, और हम इधर अपने खेत के किनारे बैठे हुए हैं। दोस्तों अभी शिमला के पेड़ थोड़ा छोटे छोटे हैं तो अभी दिख नहीं रहे हैं, तो बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए पता नहीं क्यों गुस्सा हो रहे हैं, मुंह बना रहे हैं मेरी तरफ क्योंकि हम आसवी को उतार दे रहे हैं तो ये मिट्टी खा रही हैं, और ऐसे वीडियो बनाते बन नहीं रहा इसीलिए। तो जो है ये देखिए हमारे पास में जो है भिंडी का पेड़ लगा हुआ है खेत, मतलब खेत में भिंडी लगी हुई है फिर भी चर गई है शायद, तो बहुत कम भिंडी निकल रही है इस समय। ये देखिए दोस्तों ये उधर कद्दू बोए हैं, और ये देखिए दोस्तों मेरे खेत में छोटे छोटे ताड़ के भी पेड़ लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। खेत में कुत्ता पता नहीं कहाँ से आ गया है, तो कुत्ता बैठा हुआ है खेत में, ये देखिए आप लोग। अरे ये देख सकते हैं आप लोग कैसा नज़ारा है खेतों का, हरा भरा एकदम। और ये पीछे हमारे बाग है आम की, बैठो बेटा इसे बैठो, तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी हल्की सी धूप निकली हुई है क्योंकि अभी धूप आए थे हम तो ज़्यादा धूप थी, अब धूप थोड़ा कम हो गई है तो मैं सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं। ये देखिए आसवी को उतार दिए हैं तो ये शैतानी करने में लग गई हैं, बहुत ज़्यादा शैतानी इनको आने लगी है, और जहाँ पे साफ कर रहे हैं वहीं पे जा रही हैं बार बार, और जो शिमला मिर्च के पेड़ लगे हैं उसी को उखाड़ रही हैं, जो बचे खुचे हैं ये वो उखाड़ देना चाह रही हैं। दोस्तों इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि क्या बताएं आप लोगों को, शायद आप लोग के यहाँ भी बारिश हुई होगी,
क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बस यहाँ पे बाढ़ नहीं आती क्योंकि यहाँ नदी वगैरह इतनी नज़दीक नहीं है, तो बाढ़ वाड़ का कोई वो नहीं है। नहीं तो बहुत सारी जगह तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कि बाढ़ तक आ गई हैं, लोगों के घर डूब गए, लोग मर गए। तो यहाँ पे सिर्फ नुकसान ही हुआ है, और हर जगह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। मेरे वहाँ मायके में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो वहाँ के तो फसलें सारी बर्बाद हो गई, उर्द वगैरह कटे पड़े थे तो सारे सड़ गए खेत में ही। और हमारे यहाँ तो बीन्स का जो है बीज बोया गया था, जिस दिन बोया गया था उसी दिन जो है उसी दिन से बारिश होने लगी, तो बस एक आधा पेड़ जगह है, जमा है मतलब खेत में, बाकी बीन्स के बीज तो सारे सड़ गए। और देखिए सूसू भी कर रही हैं आज भी देखिए पैंट भिगो दी हैं हमारी, सूसू कर दी हैं। तो बारिश के चलते हम लोग खेत नहीं आए थे दोस्तों, क्या बताएं, जो है इतना ज़्यादा टेंशन में थे क्योंकि तुरंत शिमला लगाई गई थी और बीन्स बोई गई थी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे कि पता नहीं जो है पेड़ बचेंगे कि नहीं बचेंगे बीन्स के या शिमला के। फिर भी बीन्स तो बिल्कुल ही नहीं जगी, एक आधा पेड़ कहीं जगा है, और बाकी शिमला के भी एक लाइन में जो भी लगे हैं पेड़, तो कम से कम 2-4-5-6 पेड़ वो भी चले गए। और दोस्तों जो शिमला वगैरह लगाते हैं उन लोगों को तो पता होगा, जो ख़रीदते हैं उनको भी पता होगा कि शिमला का बीज जो है बहुत महंगा मिलता है और बिकता भी महंगा है, तो बीज भी महंगा ही मिलता है। तो इसीलिए जो है हम लोग को बहुत टेंशन हो रही थी कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बचेंगे पेड़ कि नहीं बचेंगे। तो फिर भी दोस्तों कुछ बच गए हैं, कुछ चले गए हैं, जो थोड़ा अच्छे पेड़ थे तो वो बच गए हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटे या मरिहल पेड़ थे वो चले गए, और बाकी जो हैं तो बस वही उन्हीं की देखभाल होगी तो अच्छे से वो भी ग्रोथ करने लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसमें देखो और कुछ मेरे हस्बैंड बोएंगे, क्योंकि अब बीन्स तो चली गई, तो अभी इसमें कुछ और बोया जाएगा, इसको फिर से जुतवाया जाएगा खेत को। तो दोस्तों देखिए आज भी नीचे उतरने को बोल रही हैं कि हम इनको नीचे उतार दें, बस ये मिट्टी खाए जाती है, और अभी एक दो बार मिट्टी ये खा चुकी हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।